दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो देखी है जिसमें मशीन से रुई बत्ती तैयार हो रही है। ये गोल बत्ती तैयार हो रही है, इसको हम मशीन को कहते हैं राउंड कॉटन विक मेकिंग मशीन। ये एक बिजनेस आइडिया है, कुछ लोग इसको कर भी रहे हैं और कुछ लोगों ने यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखी होगी, कुछ लोग इसको करने के बारे में सोच भी रहे हैं। और जिन्होंने सोचा होगा इसको करने के लिए, वो गूगल पे गए होंगे, सर्च किया होगा और ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल पे गए होंगे और वहाँ पर इन्हें बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा और उन कंपनियों पे बात करी होगी। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में आपको बताया होगा डीपली और ये भी बताया होगा कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट जिन लोग कर रहे हैं ये काम, उन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट जो करी होगी वो 25 से 30 हज़ार के बीच में करी होगी या 50 से 60 हज़ार के बीच में करी होगी या 70 से 80, किसी ने लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करी होगी। मैं आपको बताया था, इसके अंदर मॉड्यूल होते हैं जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, काफ़ी सारे मॉडल्स इसके अंदर आते हैं। मेथड सबका अलग होता है, लेबर चार्ज अलग होता है, काम जैसा होता है वैसा लेबर चार्ज दिया जाता है। जितना काम होगा उतना ज़्यादा लेबर चार्ज दिया जाएगा, जितना कम काम होगा उतना कम लेबर चार्ज दिया जाएगा, लेकिन इनकम और प्रॉफिट सब में बराबर ही रहता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा होगा तो आपको ये देखना पड़ा होगा कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 20 हज़ार रुपये भी खर्च कर सकूँ, 25 हज़ार रुपये भी खर्च कर सकूँ और ये काम आपका अधूरा रह गया। आपने सोचा होगा कि यार लॉकडाउन के टाइम पर हमारे पास काम नहीं है, कुछ लोग बेरोजगार भी बैठे हैं और किसी लोगों के पास में काम है लेकिन सैलरी भी कम है तो खर्चा नहीं चल सकता, और पार्ट टाइम कुछ काम करने की सोचते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। स्पेशली लेडीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि भाई लेडीज़ें जो हैं वो घर पे बैठ के कुछ काम कर लें। तो मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन है, ये मशीन की जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आप जब भी किसी पोर्टल पे जाकर सर्च करेंगे तो ये मशीन की कीमत 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपये के बीच में आएगी आपकी। और सिर्फ मशीन मिलेगी आपको, इसमें कोई बायबैक नहीं होता। बायबैक का मतलब होता है कि जो भी माल आप बनाते हो वो कंपनी खरीद लेती है, और बायपैक करवाते हो तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि मार्केटिंग का जो खर्चा होता है वो आपका नहीं लगता। वन टाइम आपको एक फ्रेंचाइजी तौर पे कंपनी को देना पड़ता है, वो आपके लिए मार्केटिंग करती है, फिर जो भी माल बनता है वो कंपनी खरीद लेती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई और ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी ज़्यादा, इसको कम करना चाहते हो आप तो वो कैसे होगी? इसको कम करने के लिए ही एक फॉर्मूला है, सेम प्रोसीजर होता है, बायबैक एग्रीमेंट होता है, सब कुछ वही रहता है, लेबर चार्ज भी मिलता है, रेगुलर काम भी मिलता है इसके अंदर, मशीन भी मिलती है, पैकिंग का सामान भी मिलता है, पैकिंग की मशीन भी मिलती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और वो इन्वेस्टमेंट है आपकी 70 रुपये पर डे। अब आप सोच रहे होंगे कि 70 रुपये पर डे में कौन सी मशीन दे रहे हैं ये? इसको हम कहते हैं रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट के अंदर आप जो मशीन ले रहे हैं हमसे वो रेंट पर आपको दी जाएगी और उसका एक एग्रीमेंट होगा जिसमें बकायदा लिखा जाएगा कि ये मशीन आपको रेंट पे दी जा रही है और इस मशीन पे जो भी माल बनेगा वो आप हमें सेल करेंगे, जो कि बायबैक प्रोसीजर होगा वो एग्रीमेंट पे होगा, और इस पर जो भी लेबर चार्ज मिलेगा वो आपका मुनाफा होगा। अगर आपको 600 रुपये का काम भी एक दिन में मिल रहा है तो आपने 70 रुपये का रेंट उसमें से अलग कर लिया है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। 530 रुपये या 500 रुपये भी दिहाड़ी आप अपना कर सकते हैं। मैं कहता हूँ महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये का भी काम अगर आप करते हो घर में बैठ के अलग से,
तो ये कोई घाटा नहीं है जिसमें 70 रुपये अलग से निकाल रहे हो, महीने का 2,500 रुपये खर्चा हो रहा है। महीने का अगर बिजली का बिल भी लगाओ तो सिंगल फेस मशीन होती है और 300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इसका बिल आता है। रॉ मटेरियल की टेंशन नहीं होती है, कंपनी रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है। अगर आपको उससे ज़्यादा अलग से खरीद रहे हैं, अपनी मार्केटिंग करनी है, तो आप खरीद सकते हो रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे, वो भी आपको मिल जाता है। सपोर्ट पूरी तरह से मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा जो आपके लिए आइडिया है वो ये है कि आपको मशीन जो मिली है वो सस्ते दामों पर मिली है, रेंट पे मिली है। अगर आप इसको रिटर्न भी करना चाहते हो तो रिटर्न कर दोगे, जितना काम करना है उतना काम करिए, उसके बाद में मशीन रिटर्न कर दीजिए, आपका तो पैसा आपने कमा लिया और उसके बाद मशीन भी आपने वापस कर दी, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फुल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 50-60 हज़ार की लागत लगा देते हैं, अगर उनका 1 साल का 2 साल का 4 साल का 5 साल का एग्रीमेंट ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद में मशीन उन्हीं के पास रहती है, तो किसी के लिए वेस्ट हो जाती है, किसी के लिए मशीन में कोई यूज़ नहीं आता है, माल कहाँ पे के इस बात की टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए रेंटल एग्रीमेंट लेकर आए हैं हम आपके लिए। रेंटल एग्रीमेंट जो है वो रेंट पे आपको मशीन देंगे, एग्रीमेंट जो है वो बाय बैक एग्रीमेंट होगा आपका, जिसमें आपकी लागत लग रही है 70 रुपये पर डे की। अगर मैं काउंट करूँ तो ये आपका 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में महीने का खर्चा होगा और आप महीने में 13,000 से 15,000 रुपये का काम इस पर कर सकते हैं। तो इस मशीन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस मशीन के साथ अपना पार्ट टाइम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तारा इंटरप्राइजेस आपको ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रही है इतने सस्ते में, सोचने वाली बात है, इतने सस्ते में आपको काम मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 रुपये तो आजकल 100-100 रुपये खर्च हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में महंगाई हो रखी है, 100-100 रुपये भी खर्च हो जाते हैं, तो 70 रुपये पर डे अलग से अलग आप निकाल रहे हो तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं 70 रुपये से, और कैसे एक दिन का 500 से 600 रुपये कमा सकते हो आप। तो जुड़िए हमारे साथ तारा इंटरप्राइजेज में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, एड्रेस शेयर करूंगा इसमें, आप हमारे साथ जुड़िए, ऑफिस आइए, विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद में आप जानिए कि कैसे आप इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मशीन के साथ में। तो ये बिजनेस आइडिया आपको सिर्फ और सिर्फ तारा इंटरप्राइजेस पे मिलेगा, आप कहीं पे सर्च करेंगे कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमारे पेज को, तारा इंटरप्राइजेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे नए बिजनेस आइडिया अपडेट और नए डिस्काउंट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कपिल, तारा इंटरप्राइजेज।